देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि इनके जो सिविल राइट्स हैं, इनके जो राइट्स हैं, उनको उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। 5 जजों की बेंच का फैसला था। 5 जजों में अलग अलग मसलों पर अलग अलग जजों के राय में अंतर हुआ। CJI ने जो टिप्पणी की वो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, हालांकि वो अल्पमत की टिप्पणी हो गई, अल्पमत का फैसला हो गया, जिसमें CJI ने कहा कि इन्हें शादी करने का भी सिविल राइट, उनका सिविल यूनियन बनाने का अधिकार है, यानी कि वो साथ भी रह सकते हैं। तो इस मसले पर कि होमोसेक्सुअल साथ में रह सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनको किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये बातें सही हैं, लेकिन उन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात वो कि जो एडॉप्शन के जो रेगुलेशंस हैं, एडॉप्शन के जो गाइडलाइंस हैं, उसमें है कि अनमैरिड कपल को गोद लेने का अधिकार नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में मतभेद हुआ। 2 जजों ने कहा कि उन्हें एडॉप्शन का अधिकार दिया जा सकता है, देना चाहिए, लेकिन 3 जजों ने इसमें असहमति जताई है। 3 जजों ने कहा कि नहीं दिया जा सकता, मतलब कि वो जो एडॉप्शन की बात थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये एक बात, इतनी सी बात समझिए कि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि साथ रह सकते हैं, कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, कोई इनसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात पे सहमति नहीं बनी है कि इनको शादी का की कानूनी मान्यता दी जाए, इस पर सहमति नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता का आदेश पारित कर देगा, और खास तौर पर जब मुख्य न्यायाधीश लिबरल विचारों के जाने जाते हैं और उनकी टिप्पणी भी इस तरह की आ रही थी, तो जो कोर्ट रिपोर्ट करने वाले और इस मामले से जुड़े हुए लोगों को बहुत उम्मीद थी आज, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया, खुद CJI पढ़ना शुरू किए हैं, उसके बाद से उनकी जो उनके जजमेंट के जो हिस्से आए वो इस तरह से आ रहे थे कि वो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भले ही मान्यता ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, चूंकि अगर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का जो अधिकार है वो संसद का है, इसलिए अदालत को इसमें दखल, अदालत इसमें नहीं दे सकती। तो सेम सेक्स मैरिज के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव का अधिकार अगर संसद के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट कानून की समीक्षा करता है, और चूंकि जो मौजूदा एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता, उसमें बदलाव नहीं करना चाहता, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिमिटेशन को समझते हुए, चूंकि ये भी बात आई थी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें न्यायपालिका कहां वहां अंदर कितना हद तक एग्जीक्यूटिव के उसमें विधायिका के डोमेन में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट को ने ये इसको रेखांकित किया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कि कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो LGBTQ का जो मसला है ये केवल शहरी वर्ग में आता है, इसका गांव देहात से कोई मतलब नहीं है। CJI ने बात कही और करीब करीब सभी जजों ने बात कही है कि ऐसा नहीं है कि केवल शहरी लोगों के बीच ही इस तरह की बातें होती हैं, गांव में काम करने वाली, गांव में रहने वाली महिलाएं और पुरुष भी LGBT, वो चाहे वो लेस्बियन हो सकते हैं, गे हो सकते हैं। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में की है, कही है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि ये संपन्न और संभ्रांत वर्ग के लोगों की समस्या है, ये संपन्न लोगों के ये तय है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन्हें वो मान्यता दिया जाए, इन्हें भी वही जीने का अधिकार है, लेकिन देखिए कानून जो है वो संसद बना सकता है।